जनपयोगी आंदोलन और रुग्ण को दिन रात सेवा देने वाले प्रहार के पूर्व विभाग प्रमुख रुग्ण मित्र गज्जू कुबड़े की पहल से शुरू किए गए आरोग्य विषयक मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन तहसील कार्यालय सामने रुपेश मानमोड़े इस युवा दिव्यांग के हस्ते किया गया। गज्जू ने दिव्यांग प्रति अपना भावना जताते हुए तहसील कार्यालय के सामने दिव्यांग की हस्ती उद्घाटन समारंभ किया। शासकीय कोविड के नियम का पालन करते हुए उद्घाटन समारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पूजन किया गया। उसके पश्चात दिव्यांग रूपेश मानमोड़े की हस्ती दीप प्रज्वलन करके रिबिन काट कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इस आरोग्य विषयक मार्गदर्शन केंद्र की प्रणेता रुग्ण मित्र गज्जू कुबड़े ने गोर गरीब जनता को शासकीय आरोग्य विषयक योजना की जानकारी के साथ बीमारी के बाबत किस रुग्णालय से संपर्क किया जाए इस पर मार्गदर्शन किया। गरीबों के साथ धोखा ना हो और उन्हें सही जानकारी मिले इस उद्देश्य के लिए आरोग्य विषयक मार्गदर्शन केंद्र की शुरुआत की गई, ऐसा उन्होंने आगे बताया। संचालन चेतन काय ने किया, प्रास्ताविक अजय लाडी ने तो आभार सतीश गलांडी ने माना। इस प्रसंग पर प्रहार के जिला प्रमुख जयंत तिजारे, उप जिला प्रमुख राजेश बोभाटे, मंगल सोनटके, जिला रुग्ण सेवक विनोद खंडायकर, हिंगनघाट तालुका प्रमुख जगदीश तेलहांडे, शहर प्रमुख अतुल जाधव, सिंधी शहर प्रमुख सूरज आष्टनकर, समुद्रपुर तालुका प्रमुख प्रमोद महस्कर उपस्थित थे। कार्यक्रम सफलता के लिए मोहन पेरकुंडे, अमित गोजे, सुधीर मुरेवार, संतोष जोशी, भास्कर सोरते, सागर आत्राम, अजय ठाकरे, चीकू पंपनवार, महेश तांदुलकर, अतुल चिंतलवार, राजू पंपनवार, श्याम इजमुलवार, धीरज नंदेरे, अमोल वाघमारे, पवन वाघमारे, किशोर देवड़े, धनंजय मोरले, सौरभ लोनकर, बंटी ठाकुर, प्रशांत आवरी ने परिश्रम लिया। विभागातून येणारे बहुतांश पेशंटला किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना या गोष्टीचा त्रास होत होता, तेव्हा या चौकात थांबा, त्या चौकात थांबा, त्या चौकात आणि त्याच्यामध्ये एक तर आपली पण थोडी म्हणजे गळसोय होत होती आणि ज्या म्हणजे ना त्या रुग्णाच्या नातेवाईकाची पण होत होती। त्यात आधी 22 वर्षानंतर का होईना, परंतु आज हिंगणघाट शहरामध्ये आपण या ठिकाणी प्रहारचे आरोग्य मार्गदर्शन केंद्र म्हणून या ठिकाणी आपण हे सुरू केलं आहे। यामध्ये विविध योजनेच्या संदर्भामध्ये आपण या ऑफिसमधून काम करणार आहोत। या ऑफिसमध्ये सेवाग्राम सावंगी नागपूर म्हणजे कोणत्याही विविध आजाराचे ज्या उपचार याच्यावर आपण काम करतो त्याच्यावर आपण सगळ्यात जास्त या ठिकाणी रुग्णसेवेच्या माध्यमातून, अपंग बांधवाच्या काही योजनेच्या माध्यमातून किंवा जे खरे कारण कामगार नोंदणीमध्ये म्हणजे बहुतांश ठिकाणी म्हणजे खरे कामगाराची नोंदणी झाली नाही। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।